अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। फ्रेश एंड मोर किचन एंड ब्लॉग्स में खुश आमदीद। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैंने ये स्प्रिंकल पास्ता लिया है। दूसरी साइड पर मेरे पास टमाटर का पेस्ट है, चिकन है, सोया सॉस है, जीरा पाउडर है, सूखा धनिया पाउडर है, गाजर है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, अदरक है जिसको चॉप किया हुआ है, ग्रीन प्याज है मेरे पास जिसको मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है, शिमला मिर्च है बारीक काटी हुई, लहसुन है बारीक काटा हुआ। तो चले रेसिपी को शुरू करते हैं। साइड पे देगची में पानी डालेंगे और बॉईल होने के लिए रखेंगे। जब पानी बॉईल हो जाएगा फिर हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। तो उससे पहले जैसे पानी पानी बॉईल हो रहा है मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। पानी आप इतना लेंगे जिसमें अच्छे से पास्ता जो है वो बॉईल हो जाए आराम से, इजीली वो जुड़े ना, और बिल्कुल पानी यानी खुला आपने इसमें इस्तेमाल करना है। पानी बस बॉईल हो रहा है, अब मैं इसमें स्प्रिंकल पास्ता ऐड करूंगी। पानी बॉयल हो चुका है, अब ये पास्ता 300 ग्राम पास्ता है मेरे पास स्प्रिंकल पास्ता, वो इसमें ऐड करेंगे और इसको बॉयल करेंगे। साथ में थोड़ा सा 2 स्पून जो है वो ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इसमें इसलिए डालना है कि इसमें शाइनिंग रहे और ये आपस में चिपके ना। स्प्रिंकल पास्ता बॉयल हो रहा है, जब तक ये अच्छे से बॉयल ना हो जाए आपने फ्लेम ऑफ नहीं करना। पास्ता बॉईल हो रहा है, दूसरी साइड पे मैं पैन लूंगी, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसके अंदर अब हम अदरक लहसुन जो चॉप की हुई थी वो ऐड करेंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। अब हम साथ में चिकन डालेंगे और चिकन को फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन जो है उसको बहुत ज़्यादा आपने गोल्डन नहीं करना, लाइट लाइट इसमें रखना है, इसको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं फ्राई करते हैं। चिकन को अच्छा सा फ्राई करेंगे और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। चिकन का पानी अच्छे से खुशक हो गया है और ये कलर भी इसका थोड़ा चेंज हो गया। अब मैं इसमें ये प्याज डालूंगी, ग्रीन वाले कटे हुए बारीक मैंने जो काट के रखे हैं वो डालेंगे और हल्का सा, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसको नहीं बनाएंगे। साथ में शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे, क्यूब की शक्ल में मैंने काटी हुई है, गाजर भी क्यूब की शक्ल में काटें और ये भी इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। अच्छा सा ये मिक्स हो गया, मैं इसमें टमाटो पेस्ट डालूंगी साथ में और इसको भी अच्छा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे और आप मसाले ऐड करेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, सूखा धनिया डालेंगे और नमक ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हैं। साथ में थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी सी मैं इसमें सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ, वो ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी, अगर थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड करें। स्प्रिंकल पास्ता बॉयल हो चुका है, ये देखें मैंने इसको बॉयल करके तो स्टेनर में निकाल लिया है। इसको अच्छा सा आपने बॉईल करना है, अब हम इसको वेजिटेबल में मिक्स करेंगे। चिकन वेजिटेबल में मैंने पास्ता ऐड करना था इसलिए मैंने खुले मुंह वाला पत्ता ले लिया। अब ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब मैं इसमें पास्ता ऐड करूंगी जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, ये देखें इसको डालेंगे और इसके ऊपर हम ये 2 चम्मच मेरे पास सोया सॉस है ये हम ऐसे इसके ऊपर डालेंगे और 1/2 चम्मच इस पर ओरिगानो का डालेंगे, ओरिगानो है इसको डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो गई है, अब आप फ्लेम ऑफ कर दें और ये मेरे पास थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस है ये मैं इसमें डालूंगी, ये ऑप्शनल है आप डाल भी सकते हैं लेकिन ये टेस्ट को बढ़ाएगा और बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा इसका। और मिक्स करें अच्छा सा, फ्लेम आपने ऑफ ही रखना है, यहाँ पे ऑन नहीं करना। डिश आउट हो चुका है और देखें कितना मज़ेदार और बहुत ही लजीज
चिकन पास्ता विद वेजिटेबल रेडी है, ये देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है इसकी। बहुत ही मजेदार तैयार हुआ है।